Hi friends, we were solving some questions based on identities. So our next question is, using the identity, A plus B whole square equals to A square plus 2AB plus B square, evaluate. First question is 609 square. So as I told you earlier that we can find the square directly also, like we can multiply 609 multiply by 609, because square ki definition kya hoti hai, number multiply by number itself. तो ये तो एक प्रोसीजर है, बट इट्स वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड. सो वी कैन यूज आइडेंटिटी हियर टू फाइंड द स्क्वायर. सो फर्स्ट वील सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन. आई कैन राइट 609 एज 600 प्लस 9 होल स्क्वायर. फाइन, हियर वी कैन कंपेयर ए इक्वल्स टू 600 एंड बी इक्वल्स टू 9. आप शॉर्ट में यहां पर अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख सकते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंड योर आइडेंटिटी सेज इफ वी हैव ए प्लस बी होल स्क्वायर देन वी कैन कन्वर्ट इनटू और वी कैन स्प्लिट इनटू लाइक दिस. नाउ व्हाट इज आवर ए? 600 स्क्वायर प्लस 2 ए, बी इज 9 प्लस 9 स्क्वायर. राइट, अब 600 का स्क्वायर निकालना इज वेरी इजी, बिकॉज आपको केवल 6 का स्क्वायर निकालना है. 6 का स्क्वायर इज 6 6 36, एंड यहाँ पर कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं. तो मैंने आपको बताया था जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो वो ट्वाइस हो जाएंगे, लाइक यहाँ पर 2 हैं तो वो 4 हो जाएंगे, 2 into 2. तो योर आंसर विल बी 6 6 36, एंड द ट्वाइस ऑफ दीज 2 जीरोज इज 36. राइट, प्लस यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है, 6 2 12 9 10 8 00 प्लस 9 स्क्वायर इज वेरी इजी, 9 9 81. राइट, तो ऐसे स्क्वायर निकालना इज क्वाइट इजी. सो फाइनली जब हम इसे ऐड करेंगे तो विल गेट 370881. So by using identity, it is more easier as compared to directly multiplication. इसमें बेस्ड एक और क्वेश्चन लेंगे. So next question is 725 square. We need to find 725 whole square. Here also you can directly multiply by 725 into 725, but will not prefer because it would be more complicated. So what we'll do, we'll split this term. 725 को आई कैन राइट 700 प्लस 25 का होल स्क्वायर. फाइन, एंड प्रीवियस क्वेश्चन की तरह दिस इज ए दिस इज बी, सो नाउ विल अप्लाई ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस. फाइन, नाउ ए इज व्हाट? 700 प्लस 2 इंटू 700 into b is 25 plus 25 whole square. Right, now 700 ka square find karna is very easy, like previous question 7 square is 49. Maine aapko pehle bhi bataya ki 10 ya 20 tak ke to hame tips pe yaad hona chahiye. To 7 square is 49 and here we have 2 zeros, so inka twice ho jayega, so it is easier. Right, नाउ इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो विल गेट 35,000. ठीक है, प्लस 25 स्क्वायर इज 625. नाउ विल एड ऑल दिस टर्म, सो विल गेट 525625. सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 725. सिमिलर क्वेश्चन हम लेंगे नेगेटिव आइडेंटिटी के लिए. जैसे ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, सो नाउ विल टेक एग्जाम्पल ऑन बेस्ड ऑन ए माइनस बी होल स्क्वायर.
So we have solved two questions based on a plus b whole square. Now I'll take another example which will based on a minus b whole square. क्योंकि ये भी एक important identity है. So another example is using identity a minus b whole square, which is always equal to a square minus 2ab plus b square. Evaluate. First is 491 whole square. And second हम उधर solve करेंगे. So first is 491 whole square. Again यहाँ पर आप चाहें तो multiply करके इसे solve कर सकते हैं. But we'll not prefer that direct procedure. Right? So what we'll do? 500 minus I can write 9. 500 में से जब हम 9 subtract करेंगे तो it will give result 491. So I can write in place of 491 500 minus 9. And we need to find the square of this जो भी आपकी term आई है. ठीक है? So क्या होगा? यहाँ पर हम compare कर लें. A is 500, B is 9. आप इन शॉर्ट यहाँ भी लिख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए कि दिस इज माय ए, दिस इज माय बी. सो नाउ आई कैन अप्लाई ए माइनस बी होल स्क्वायर. फाइन. नाउ ए इज व्हाट? 500 स्क्वायर माइनस 2 इनटू ए इनटू बी इज व्हाट? 9 प्लस 9 स्क्वायर. राइट. नाउ 500 स्क्वायर, तो यहां पर आपको केवल किसका स्क्वायर निकालना है? 5 का. 5 स्क्वायर इज 25. देखिए ये थोड़ा इजी होता है सॉल्व करना. एंड 0 का ट्वाइस हो जाएगा तो यहां पर 4 जीरोस आ जाएंगे. इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस देन वी विल गेट 9000. ठीक है? प्लस 9 स्क्वायर इज ऑलवेज 81. जब हम इसे सॉल्व करेंगे माइनस प्लस पूरा तब विल गेट रिजल्ट 241081. So by using the identity we find that square of 491. आपके दिमाग में यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि मैम ने इसे ऐसा क्यों नहीं लिखा. I could write in this way also. ठीक है? But 400 का स्क्वायर तो इजी हो जाता निकालना क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16. But again यहाँ पर आपको 91 का स्क्वायर निकालना होता. अगर मैं इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करती सो हमारा कॉम्प्लिकेशन एज इट इज रहता प्लस 91 स्क्वायर. और 91 स्क्वायर किसी को भी टिप्स पे याद नहीं होता. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस प्लस आइडेंटिटी आई हैव यूज माइनस आइडेंटिटी क्योंकि यहां पर माइनस से वो क्वेश्चन इजी हुआ है. ठीक है? तो कब माइनस यूज करना है कब प्लस ये डिसीजन हम खुद ले सकते हैं. सेकेंड इज 289 होल स्क्वायर. अगेन यहां पर वी हैव टू ऑप्शंस. आइदर वी कैन मल्टीप्लाई डायरेक्टली 289 बाय 289 और वी कैन यूज द आइडेंटिटी ऑफ प्लस लाइक 200 प्लस 89 होल स्क्वायर. बट एज आई टोल्ड यू कि इट वुड बी मोर कॉम्प्लिकेटेड. यहां पर हमें 200 का स्क्वायर फाइंड करना तो इजी होगा बट 89 का फाइंड करना मुश्किल होगा. ठीक है? सो वी विल नॉट प्रिफर दीज टू ऑप्शन. विल यूज नेगेटिव आइडेंटिटी. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 300 माइनस 11 होल स्क्वायर. 300 में से जब 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट 289. राइट. अब हम यहां शॉर्ट में हमारा कन्वीनियंस के लिए लिख लेंगे. दिस इज ए, दिस इज बी. नाउ ए माइनस बी होल स्क्वायर. Identity says 2ab plus b square. Now we'll put the value of a and b. A is what? 300 whole square. In place of a 300, in place of b 11 plus 11 whole square. देखिए 11 का square निकालना is easier as compared to 89 का square find करना. ठीक है? तो हमने इसलिए यहाँ पर minus की identity ही use करी. Now 3 square is 9. वी हैव टू जीरोस सो इनका ट्वाइस हो जाएगा. सो वील गेट 4 जीरोस माइनस यहां पर आ जाएगा 6600 प्लस 11 स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 120
1. After solving this, we will get 83521. कितना इजी हो गया अगर हमें आइडेंटिटीज याद हैं. सो वी कैन इजीली फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, राइट. सो ये था हमारा आइडेंटिटीज. एक और आइडेंटिटी बची हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वो कब हम अप्लाई करें देखें. नाउ इफ यू हैव सिचुएशन लाइक दिस, वी हैव टू सॉल्व 49 मल्टीप्लाई बाय 51. फर्स्ट वील ऑब्जर्व द क्वेश्चन एंड देन थिंक वॉट वी नीड टू डू हेयर. यहाँ पर स्क्वायर फाइंड करने को हमें नहीं कहा है. सो ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्या? नहीं. देन वॉट विल डू, वी हैव ओनली टू ऑप्शन. आइदर वी कैन मल्टीप्लाई डायरेक्टली, बट देर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई डायरेक्टली क्योंकि उसका तो कोई सेंस ही नहीं है जब हमने इतनी सारी अच्छी अच्छी आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं. तो इस क्वेश्चन को देखते हुए हम थर्ड जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है उसे रिकॉल करेंगे. ए प्लस बी ए माइनस बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी एंड विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब आप डेफिनेटली सोचेंगे कि क्वेश्चन इस फॉर्म में तो है ही नहीं, तो हम ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज करेंगे. 49 को आई कैन राइट 50 माइनस 1 एंड 51 को आई कैन राइट 50 प्लस 1. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस. सो हमने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा एडजस्ट किया. अब अगर हम इसे कंपेयर करें, 50 को अगर हम ए नाम दें और इसे बी, तो दिस इज ए माइनस बी एंड सिमिलरली दिस इज ए प्लस बी, राइट. हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 50 एंड बी इक्वल टू 1. सो इट इज ए माइनस बी एंड इट इज ए प्लस बी. सो आई कैन राइट डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. कितना सिंपल हो गया. पर ये कब पॉसिबल हुआ, जब हमने उसे एडजस्ट सही किया, ठीक है. अब ये हमारे पास आ गया, 50 का स्क्वायर निकालना इज वेरी इजी बिकॉज 5 का स्क्वायर यू ऑलरेडी नो 25. यहाँ 0 है तो इनका ट्वाइस हो जाएगा माइनस 1. सो योर फाइनल आंसर इज 2499. सो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने बहुत ही इजीली फाइंड कर लिया कि 49 इंटू 51 क्या होगा, राइट. एक और क्वेश्चन ऐसा कि ऐसा लेंगे, 30 इंटू 32. नाउ फर्स्ट वी नीड टू चूज द नंबर. जो हम नंबर लेंगे उसी के साथ एडजस्टमेंट करेंगे. लाइक आई कैन राइट 31 माइनस 1, सो आई विल गेट 30. एंड सिमिलरली इफ आई राइट 31 प्लस 1, देन आई विल गेट 32, राइट. तो हमने एडजस्ट जो है वो सही किया. यहाँ पर वही प्रोसीजर, ए को हम कंपेयर करेंगे तो ए इज 31, बी इज 1. इन शॉर्ट यू कैन राइट हेयर. बट ये आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखना है, ये केवल आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. तो अब क्या होगा, ए भी मिल गया हमें, बी भी मिल गया. दिस इज ए माइनस बी, दिस इज ए प्लस बी. सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 31 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. एंड 31 स्क्वायर इज 961 एंड 1 स्क्वायर इज 1. सो फाइनली यू विल गेट 960. सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच वी कैन अप्लाई इन द क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, राइट. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर इज पाइथागोरस ट्रिपलेट्स. अब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमें ट्रिपलेट समझना होगा. Now, another very new and interesting property of square and square root is Pythagorean triplets. सबसे पहले Pythagorean triplets समझने के लिए हमें triplets समझना बहुत जरूरी है. Pythagorean triplet. Triplet means the combination of three numbers, right? Any three numbers are called triplet. बट दे आर पाइथागोरियन और नॉट, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे. तो देयर इज वन प्रॉपर्टी, ठीक है, विच वी नीड टू सेटिस्फाइड बाय दीज थ्री नंबर्स. तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी. इफ
m and p are three natural numbers. Koi bhi three numbers such that m square plus n square is equal to p square, then m and p are called पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ठीक है, मीन्स कोई भी तीन नंबर. अभी हमने एग्जाम्पल में क्या लिया या डेफिनेशन में m n p. लाइक आई एम टेकिंग नंबर 3, 4, 5. सबसे पहले तो ये ट्रिपलेट है, बट ये पाइथागोरियन है कि नहीं वो हम प्रॉपर्टी के थ्रू ही डिसाइड कर सकते हैं. सो हमारे तीन नंबर क्या है, m n p. मीन्स आई एम टेकिंग 3 एज m, 4 as n and 5 as p. So I can write m square plus n square equal to p square. हम करके देख लेंगे. 3 square plus 4 square आना चाहिए 5 square के equal. 3 square is 9, 4 square is 16 and 5 square is 25. इनको जब हमने add किया, so LHS equal to RHS आ गया. Means m square plus n square करने पे इट इज इक्वलेंट टू पी स्क्वायर. आइडेंटिटी सेटिस्फाइड हो गई. सो डेफिनेशन सेज इफ वी हैव थ्री नंबर्स एंड इफ दे आर फुलफिलिंग दिस कंडीशन, देन दीज थ्री नंबर्स आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अदरवाइज दे आर सिंपल ट्रिपलेट्स. ट्रिपलेट तो तीन नंबर होंगे ही होंगे, बट पाइथागोरस के लिए या पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए हमें ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करके देखना होगा. और कोई कॉम्बिनेशन लेते हैं, लाइक आई एम टेकिंग 5, 12 एंड 13. आई एम सेइंग दैट चेक वेदर दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट. सो व्हाट यू विल डू, यू विल डू 5 स्क्वायर देन 12 स्क्वायर. इनको जब हम सॉल्व करेंगे सो इट शुड बी इक्वलेंट टू 13 स्क्वायर. फाइन, तो हम क्या करेंगे, 5 स्क्वायर इज 25, 12 स्क्वायर इज 144 एंड फाइनली इट इज 169. And 13 square is always equal to 169. So I can say 5, 12 and 13 are called Pythagorean triplet. और कोई example लेके देखते हैं. Like I am taking 2, 5 and 6. Check whether they are Pythagorean triplet or not. Right? तो हम क्या करेंगे, 2 square plus 5 square और ये किसके equal आना चाहिए, 6 square के. 2 square is 4. 5 square is 25 and this is 36. इनको जब हमने add किया तो 29 आया. Means 29 is not equal to 36. So this combination is not a Pythagorean triplets. Means हमें check करके ही देखना होगा कि they are Pythagorean or not. एक और combination लेते हैं, बड़ा थोड़ा लेते हैं, 8, 15 and 17. चेक वेदर दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट. सो अगेन हम क्या करेंगे, कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे. दिस इज एम, दिस इज एन, दिस इज पी. सो वी विल डू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर. 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर. 8 स्क्वायर इज 64, 15 स्क्वायर इज 225 एंड 17 स्क्वायर इज 289. इनको जब हमने प्लस किया सो इट इज इक्वल टू 289. एल एच एस एंड आर एच एस बोथ आर इक्वल, मीन्स दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, कि ऐसे कोई भी तीन नंबर का कॉम्बिनेशन हमें मिला और उन्होंने अगर कंडीशन दी कि चेक दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट, तो हमें क्या कंडीशन अप्लाई करके देखना होगा, दिस. ठीक है, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज, सो लास्ट इज, अभी हमने जस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़े कि लाइक कॉम्बिनेशन है 3, 4, 5, तो वेदर इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट. ये नंबर ही हम कहां से फाइंड करेंगे जो पाइथागोरियन है या नहीं है. मीन्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नंबर फाइंड करने के लिए भी एक मेथड होता है. प्रॉपर्टी सेज फॉर एनी नेचुरल नंबर
natural number, variable name is m, greater than 1 means they are taking a natural number which is greater than 1. So they are giving one condition, and if it is fulfilling, then we will get Pythagorean triplets. M square plus 1 is a Pythagorean triplets. Like a question lenge, they are saying write a Pythagoras triplet, write a Pythagorean triplet whose one member is 6. Means one member दे दिया and they are saying कि पूरे triplets find करिए, और वो कौन से triplet होना चाहिए? Pythagorean triplet. तो हम इसके लिए जो procedure करेंगे, member is 6, तो हमारा first combination is saying 2m. So what I'll do, 2m equals to 6. तो सबसे पहले हम वो natural number find करेंगे, जो कि आया हमारा 3. M हमारे पास आ गया 3. Now I can find another m square minus 1. M is what? 3 square minus 1 means 9 minus 1, it is equivalent to 8. Another one is m square plus 1, m is 3, so 9 plus 1 means 10. अब हमारे पास तीनों numbers आ चुके हैं. First is 6, means हमारा first number क्या होता है? 2m. Another is m square minus 1. And third one is m square plus 1. This is a Pythagorean triplet combination जो हमने numeric values में निकाल लिया. 2m क्या है? 6. ये हमने find किया, so it is 8 and it is 10. अब ये definitely Pythagorean triplet ही होंगे, because हमने condition के through ही निकाला. But still आपको अगर लगता है तो आप इसे check करके देख लीजिए. 6 square प्लस 8 स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए? 10 स्क्वायर के. 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64 एंड 10 स्क्वायर इज 100. सो इट इज 100 इक्वल्स टू 100. वैसे भी ये आएगा ही, बिकॉज वी हैव फुलफिल्ड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट कंडीशन. तो हमने उसके थ्रू ही निकाला है, तो एक कंफर्म है कि पाइथागोरियन कॉम्बिनेशन ही आएगा. तो अब आपको कोई सिचुएशन आई कि जिसमें कोई भी एक नंबर दे दे, लाइक मैंने दिया 10, सो आपको उसके फर्दर कॉम्बिनेशन निकालने हैं. वो तीनों नंबर का कॉम्बिनेशन पाइथागोरियन ट्रिपलेट होना चाहिए. सो व्हाट विल डू, 2m इक्वल टू आप क्या कर देंगे? 10, क्योंकि मैंने आपको रेंडमली नंबर दे दिया है 10. सो आप 2m इक्वल टू 10 करेंगे. सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? m. m क्या आया? 5. उसके बाद आप m square minus 1 फाइंड करेंगे. So 5 square minus 1 means 25 minus 1 यानि 24. उसके बाद आप m square plus 1 फाइंड करेंगे. 5 square plus 1 means 25 plus 1 यानि final it is 26. अब आपका combination क्या बनेगा? 2m, m square minus 1, m square plus 1, क्योंकि ये 3 वो कह रहे हैं Pythagorean triplet हैं. 2m आपका हो गया 10, 24 एंड 26. अब जब आप इसमें पाइथागोरियन कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे तो डेफिनेटली वही आएगा LHS इक्वल टू RHS. में से इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर ऐड होने पे इसके इक्वलेंट आएगा ही आएगा. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको प्रैक्टिस करें.